सोयाबीन की फसल पर मोथा खरपतवार एक बहुत ही जिद्दी खरपतवार है और यह आसानी से जाता भी नहीं है। अक्सर बोला जाता है कि गर्मियों के दिनों पर गहरी जुताई करा दीजिए। गहरी जुताई करने के बाद भी जो गांठें हैं वह पूरी तरह नहीं सूख पाती हैं और हमारी सोयाबीन की फसल पर यह जो नांगर मोथा है, आप जो वीडियो पर देख रहे हैं, ये मोथा घास खासकर सोयाबीन की फसल पर जब इसका प्रकोप होता है ना, तो हमारी उपज पैदावार और काफ़ी ज़्यादा जो हमारी फसल की चाल बढ़वार को काफ़ी कमज़ोर कर देता है और कहीं ना कहीं प्रभावित करता है उपज को, उत्पादन को। तो सोयाबीन की खड़ी फसल पर, क्योंकि देखिए यदि हमारे खेत पर कोई भी फसल नहीं लगी है तो फिर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जैसे ग्लाइफोसेट किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन जब खड़ी फसल की बात आती है और बात आती है सोयाबीन के जो किसान हैं जिन खेतों पर यह खरपतवार मोथा खरपतवार का प्रकोप है, उनको स्प्रे क्या करना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। अब देखिए सबको पता है, सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं कि यह जो खरपतवार है यह काफ़ी जिद्दी खरपतवार है, आसानी से जाता नहीं है। इसका कारण है कि इसके अंदर यानी मिट्टी के अंदर जो गांठें हैं ना, वह यदि हम कोई भी दवाई का स्प्रे करते हैं तो ऊपर से तो कुछ दिन के लिए सूख जाता है लेकिन अंदर तक की जो गांठ है वो सूख नहीं पाती है। तो इसका सबसे जो पहला उपाय है कि आप डोरा कुल्पा की मदद से निराई गुड़ाई करा दीजिए, डोरा कुल्पा से खरपतवार को बाहर निकाल दीजिए। यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है और हमारे मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर यह जो ऑप्शन है सबसे ऊपर है, यानी डोरा कुल्पा चला देते हैं ताकि बोखना, बोखनी, मोथा, दुधी जितने भी जिद्दी खरपतवार हैं वह आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जिन किसानों के पास यदि लगातार बरसात हो रही है या फिर देसी यंत्र मजदूर उपलब्ध नहीं हैं, कुल्पा नहीं चला पा रहे हैं और यह खरपतवार उगे हुए हैं, तो उनके लिए जो खरपतवार नाशक है जो कि सोयाबीन की फसल पर, यदि आप जिद्दी खरपतवारों को कंट्रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है फसल को झटका आएगा। अब फसल को झटका आने का मतलब है कि पीली पड़ जाती है कुछ दिन के लिए और फिर वापस से चाल बढ़वार पकड़ लेती है। यदि आप किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं और फसल को झटका आता है तो यह जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं इसको आप सोयाबीन की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। फसल जल्दी से जल्दी रिकवर और हरी भरी हो जाती है यदि आपकी फसल को झटका आया है या फिर किसी ओवरडोज करके आपने किसी भी दवाई का स्प्रे कर दिया या फिर फसल को झटका आने के कारण यह डोज हमारी फसल में बूस्टर डोज की भांति हमारी फसल में रिकवर करने में काफ़ी मदद कर सकता है। तो इसको स्प्रे कर सकते हैं कब, जब खरपतवार नाशक स्प्रे करने के लगभग 8-10 दिन बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी खरपतवार नाशक को स्प्रे करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो एक एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी से कम नहीं लेना है और जितनी अच्छी नमी होगी उतना अच्छा आपको कवरेज मिलेगा। स्प्रे करने के बाद 2 घंटे तक बरसात ना हो। यदि किसी खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं और उस पर कंपनी सिलिकॉन चिपको स्प्रेडर यानी सर्फेक्टेंट नहीं दे रही है तो फिर मिलाकर स्प्रे करना ताकि कवरेज अच्छी मिले। जी हाँ, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, नांगर मोथा यह जो खरपतवार है दोस्तों, इसको कंट्रोल आप रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं। एक टेक्निकल आता है बढ़िया वाला साल्ट है जो कि सोयाबीन की फसल पर, खड़ी फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका नाम है बेंटाजोन, 48% SL फॉर्म में आता है और एक एकड़ में जो इसका डोज है 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना। लेकिन कब, जब आपकी फसल में मोथा 2 पत्ती, 3 पत्ती और 4 पत्ती तक का दिख रहा है तब भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जड़ से ख़त्म हो जाएगा, यह हमारी जो फसल है उसके नीचे रह जाएगा, यानी एक प्रकार से इतना कंट्रोल हो जाएगा कि आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी वापस से यह आएगा तो जब तक हमारी फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगी। यानी कुल मिला के मोथा को आप प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको रोक सकते हैं। बाकी यह जो साल्ट है पूरे सिस्टम में जा कर के यानी गांठ को सुखाने की भी क्षमता रखता है। अन्य साल्ट से, अन्य टेक्निकल और अन्य दवाइयों से यह जो
टेक्निकल आता है बेंटाजोन, यह सिस्टम में जा कर के कांदियों को, जो मोथा घास की कांदी हैं, उनको सुखाने की क्षमता रखता है, यानी रिजल्ट अच्छा देगा, फसल को झटका आएगा। नमी रखना, बूस्टर डोज का स्प्रे आप कर सकते हैं, बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम व्यापारिक नाम की बात करें तो BASF कंपनी की 62 ग्राम पर यह साल्ट मिल जाता है। यदि कोई और कंपनी यह साल्ट देती होंगी तो आप स्क्रीन पर देख लेना, यह कंपनियों पर भी आपको यह टेक्निकल मिल जाता है। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा मोथा घास वृद्धि करता जाएगा उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा 5-7 पत्ती या फिर बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाता है तो फिर कोई भी खरपतवार नाशक काम आने वाली नहीं है, फिर आपके पैसे भी खर्च होंगे और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, फसल को भी झटका आएगा, पैदावार भी घट जाएगी। तो यदि काफ़ी बड़ी समस्या है मोथा की तो इसके लिए डोरा कुल्पा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी हल्के फुल्के मोथा को कंट्रोल करने के लिए या फिर बहुत कम स्टेज पर है, छोटी स्टेज पर है, तो आप स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। यदि हम बासप कंपनी की जो 62 ग्राम आती है 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ का प्रति एकड़ खर्च है 900 रुपये, 850 से 900 रुपये के आसपास एकड़ का खर्च आता है। सही समय पर सही एक्शन यदि आप लेंगे तो आसानी से मोथा को कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी 3 साल में एक बार गहरी जुताई अवश्य कराएं, ताकि, और हाँ, गहरी जुताई करने के साथ साथ यदि धूप अच्छी लगेगी तभी जो गांठें हैं मोथा घास की वह सूख पाएंगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार और बोखना, बोखनी, दुधी और सोयाबीन की फसल पर अन्य खरपतवार नाशक, जो बेस्ट खरपतवार नाशक है, इनकी जानकारी के लिए या फिर और भी तरह तरह की एग्रीकल्चर से अलग अलग फसलों की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि हमारी यह मेहनत, यह एफर्ट यदि आपको पसंद आता है तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक साझा अवश्य करें। धन्यवाद।